इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क। अगर आप अभी तक देखें, हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने अभी 2 हफ्ते लगाए और क्या कर रहे थे, सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे काम कर रहे थे बस। फिर हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया रिंग, रिंग के एक्सिस पे ई निकालना। तो हमने पॉइंट चार्ज को छोड़ दिया और सेकेंड बॉडी क्या लेके आए हम, रिंग। तो रिंग के ऊपर ई निकाला। तीसरी बॉडी जो आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, डिस्क। फिर से पॉइंट चार्ज नहीं है। तो डिस्क का रेडियस अगर कैपिटल आर है, उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर अगर आपको ई निकालना है, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस हैं, चाहिए भी नहीं, एनसीईआरटी में आती नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं आता है। नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना, कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर ये कभी कभी फॉर्मूला यूज करने को मिला है, मेंस में, नीट में, एडवांस में, तीनों पेपर्स में, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन। इसमें फॉर्मूला याद करना है कि अगर मैं यहाँ पे डिस्क की वजह से एक्सिस पे ई निकाल लूँ, तो कंपोनेंट्स आपस में, वाई कंपोनेंट आपस में कैंसिल करते होंगे, तो वाई एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की तरह एक्स एक्सिस पे आता है, जिसका ये फॉर्मूला नोट करें, ई एक्स लिख लेना, ई वाई 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पाई सिग्मा। सिग्मा क्यों, डिस्क के ऊपर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज करते हैं, बाय सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या है, कितना चार्ज है क्यू, और कितने सरफेस एरिया के ऊपर है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, सिग्मा का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला है 1 - x/√r² + x², ये फॉर्मूला याद करें। अपने फॉर्मूला रजिस्टर में ये डायग्राम बनाएं, जिसमें मेंशन करें ये कैपिटल आर है, ये एक्स है, और ई एक्स का फॉर्मूला नोट कर लें। अगर किसी ऑब्जेक्टिव में कल को यूज करना पड़े, इस फॉर्मूले को रेफर कर लेना, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, देखना ही नहीं है।